Thank you.
मंत्री के पुत्र ने थे किसानों को कुचला, क्या उसने अपना इस्तीफा दिया? हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत नेक हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से? क्या देश के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुलते घूमेगा फिर से, जिससे आपको फसल डाला। इस सरकार ने किसको बचाया? उन किसानों के परिवारों को बचाया? उनकी जो पुलिस थी, प्रशासन थी, कहाँ थी वो जब उनको पिछला? कहीं नहीं थी, मैं बताती हूँ कहाँ थी। जब हम जैसे लोग जहाँ उनके परिवारों से मिलने जा रहे थे तो हमें रोकने में लगी थी पूरी तमाम प्रशासन, तमाम पुलिस सड़क पर खड़ी थी। 20 रात तक, 4-4 बजे तक हम किसका नुकसान करने जा रहे थे? किसका नुकसान हुआ उसको तुमने बताया नहीं? जिसने नुकसान किया उसका बाप तुम्हारे साथ स्टेज पर खड़ा होता है। आज भी एक प्रधानमंत्री, एक सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है अपने देश के प्रति। उस जिम्मेदारी को निभाना उसका धर्म होता है, हर धर्म से ऊपर होता है वो धर्म। और जो नेता, जो प्रधानमंत्री, जो सरकार उस धर्म को निभाना नहीं जानती, बड़े बड़े विज्ञापनों में खूब किसानी दिख रही है, मैं घर घर में जाती हूँ, घर घर में जाती हूँ और सिर्फ गरीबी दिख रही है, सिर्फ गरीबी, सिर्फ संघर्ष, सिर्फ संकट। ये किसी के घर में नहीं जाते, किसी के संकट में उनके पास नहीं जाते, न किसानों के पास आए, न शहीदों के घर गए, न किसी महिला के घर गए जिससे अत्याचार हो रहा था, न किसी गरीब का हाथ पकड़ के उन्होंने पूछा कि तुम कैसे हो। और यूपी में तो इनकी गवर्नमेंट आनी नहीं है, क्योंकि आम आदमी बहुत करीब मेयर है, लेकिन विकास के नाम पर मेयर के घर के बाहर का इलाका साफ रहेगा, इसके अलावा शहर में आप देख सकते हैं। देखिए, चुनाव चल रहा है, आपके सामने आकर अनेक नेता, अनेक राजनीतिक दलों के प्रत्याशी भाषण देने आते हैं, आपसे चर्चा करने आते हैं। आज यहाँ खड़े होकर मैं भी आपसे कुछ बातें करने आई हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप में से नौजवान कितने हैं, मेरा हाथ ऊपर चलने। आप में से वो हाथ ऊपर करिए जिनको पिछले 5 सालों में रोजगार मिला है, एक भी नहीं है। आपके प्रदेश की समस्याएं क्या है, क्या समस्याएं हैं? जब राजनीतिक दल के नेता आपके सामने आकर कहते हैं कि किसी की गली निकालेंगे, क्या ये आपकी समस्या है? जब कहते हैं कि किसी की चांदी निकालेंगे, क्या ये आपकी समस्या है? Thank you.
चर्च यहीं तक लास्ट था पर ये अभी चर्च तक यहीं तक लास्ट है है तो आगे भी चर्च है बता रहे हैं वहाँ तक जाएंगे। अच्छा कितना दूर है, कितना टाइम लगेगा जाने में? ज़्यादा नहीं दूर है।